नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डेनिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु वालिया। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जीएसटी विभाग की छापेमारी जारी है। व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर संगठित होकर विरोध कर रहे हैं। वहीं इसी बीच उन्नाव से बीजेपी विधायक अनिल सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जीएसटी विभाग की छापेमारी को समाजवादी पार्टी की साजिश बता रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जीएसटी विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। छापेमारी से गोरखपुर शहर के व्यापारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग अपनी दुकानें बंद कर लामबंद होकर विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने 42 संगठन के साथ जीएसटी विभाग की तरफ से जारी छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि किसी भी व्यापारी के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। वहीं इसी बीच उन्नाव से बीजेपी विधायक अनिल सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जीएसटी विभाग की छापेमारी को समाजवादी पार्टी की साजिश बता रहे हैं। अनिल सिंह ने जीएसटी विभाग की छापेमारी को लेकर कहा, हो सकता है कि सपा के लोग ही जीएसटी विभाग के अधिकारी बनकर छापेमारी कर रहे हों, हम इसकी जांच करवाएंगे। बीजेपी विधायक अनिल सिंह के बयान पर समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने एक ट्वीट करके कहा, जिन दुकानदारों ने भाजपा को व्यापारी समर्थक समझकर चुना था, उसके एमएलए बता रहे हैं कि ये सब सपा की ही साजिश है। सरकार भाजपा की है तो सपा की साजिश कैसे हो सकती है? ये कुकर्म तो भाजपा सरकार के हैं। सपा को बदनाम और जनता को गुमराह कर रहे इन बीजेपी एमएलए पर तत्काल एफआईआर दर्ज हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।